चाहते हैं खुद के फॉर्मूले बनाने एक्सेल के अंदर में, तो खुद के फॉर्मूले बनाना कब जरूरत पड़ता है, एक अच्छा सवाल है। देखिए, जब आपकी एक्सेल में कैलकुलेशन करना पड़ता है और कैलकुलेशंस करने के लिए काफी सारे तरीके हैं, बट आप चाहते हैं कि मैं खुद का फॉर्मूला बनाऊं जो कि हर फाइल में वर्क करे या एक पर्टिकुलर फाइल में वर्क करे, खुद की कैलकुलेशन है, खुद का स्टेप है, तो ये ज्यादातर कहां पे होता है, जब कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कोई परसेंटेज निकालना चाहते हैं, कोई अमाउंट निकालना चाहते हैं, उसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल नहीं। जैसे मान लीजिए आप 2016 में या 2013 में या 2007 में आप काम कर रहे हैं, वी लुकअप है, वी लुकअप जो है सिर्फ ऊपर का वैल्यू लुकअप करके देता है, लुकअप नहीं करता है, तो आप चाहते हैं कि नीचे का वैल्यू भी लुकअप करके दे, ओवर वैल्यू लुकअप करके आए। समझे? ऐसे ऐसे एप्स, ऐसे मतलब कि फंक्शन खुद के बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए आपको हम बताते हैं, मैं एक एक्सेल फाइल आपके सामने लेता हूं, ये तो उसको हटा देता हूं, एक्सेल फाइल एक आपके सामने लेता हूं। उससे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। तो हमारे पास प्रॉब्लम है कि हम एमआरपी का कैलकुलेशन करना चाहते हैं। आपको याद होगा जब बीवीए में जब हम एमआरपी की करते थे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता था जब एक्सेल की कैलकुलेशन करते थे। मैं करके दिखा रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए यहां पे एमआरपी है, एक मिनट, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इसको बंद कर देता हूँ। इनकम टैक्स वाले में भी काफी कैलकुलेशंस थी सर। हाँ, कुछ भी कैलकुलेशंस, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन, सारी कैलकुलेशन बात करूंगा आपके साथ, चिंता मत। जैसे कि मेरे पास एमआरपी यहाँ पर है, राइट, और यहाँ पे मेरे पास ऊपर कॉस्ट है, मुझे एमआरपी निकालना है। एमआरपी नहीं है हमारे पास, मतलब कैसे निकालें, तो एक्सेल में कैसे किया था हमने, एक्सेल में हमने आपको बताया था कि इसका 5% हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 5% हमने कैलकुलेट किया और इसमें हमने प्लस कर दिया। फिर हमने क्या किया, इसका 10% निकाला और इसमें हमने प्लस कर दिया। फिर इसका मैं 15% निकाला और इसमें हम प्लस कर दिए 15%, और फिर यहां पे हम इसका 20% निकालते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं, राइट सर? मतलब कि मैन्युफैक्चरर का बनाने का खर्चा पड़ता है 50 रुपए, उस पर वो 5% का कमीशन लेके 5.5 रुपए का अपना प्रॉफिट ऐड करके 52.50 रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है। डिस्ट्रीब्यूटर अपने खरीद पे 10% का कमीशन रख के होलसेलर को दे देता है, होलसेलर अपने खरीद पर से 15% का कमीशन रख के रिटेलर को दे देता है, रिटेलर क्या करता है कि 20% कमीशन रख के कंज्यूमर को देता है, तो 50 रुपए की सामान बन गई 80 रुपए की। कैप्टन जी, कैप्टन गांधी जी, यस सर, ये महंगाई क्यों बढ़ रही है? ठीक है, इसीलिए वॉलमार्ट चाहिए। क्लियर है? क्या? अब यहां पे अब इसको एक सेल में चाहिए, ये तो अलग अलग सेल पे है ना, मुझे एक सेल में कंबाइन करना है। तो एक्सेल के क्लास में मैंने समझाया था कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसके ऊपर हम C5 में C5 का फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं, देन वापस हम C5 को सिलेक्ट करते हैं और यहां हम C6 पे फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं। ये तरीका एक्सेल का है सर, बस मैं बता
बनाओ ताकि आप कंपेयर कर सकें कि आखिर हमें वीवीए फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है, समझे? ये मत समझिए कि पार्ट ऑफ द वीवीए, वीवीए का पार्ट नहीं है। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि डायरेक्ट वीवीए ज्वाइन किए हैं, एक्सेल की क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, तो उनको थोड़ा सा समझाना जरूरी है। जो लोग इसको जानते हैं बोल रहे हैं, तब तक आप अपना फेसबुक स्टेटस चेक कर सकते हैं। क्या करा था सर, मजाक करना पड़ता है ना, वरना रात का टाइम है, ऑफिस से थके हुए आप आए हैं, सो ना जाए। ठीक है, और फिर इसको कॉपी किया और यहां पे हम E16 में पेस्ट कर दिया। तो फॉर्मूला मर्जिंग मेथड कर रहे हैं, क्योंकि एक बार इतना लंबा फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम वन बाय वन कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इतना लंबा फॉर्मूला मुश्किल है ना, क्या लग रहा रवि जी, इतना लंबा फॉर्मूला बना लेंगे आप? नहीं सर, ऐसे कॉपी पेस्ट के बिना तो मुश्किल ही है। लेकिन इस मेथड से एक फायदा है सर, इतने बड़े बड़े फॉर्मूला बना दो, बॉस को बॉस के सामने हीरो बन जाओ सर, आई एम द एक्सेल चैंपियन। बस किसी दिन आप ऑफिस में नहीं है, आपके जगह पे कोई काम कर रहा है, बट वो वीडियो नहीं देखता है और वो एक्सेल के बारे में उतना नहीं जानता। या फिर मान लीजिए आपके बॉस तो ऑलवेज होता है सर, होता है ना सर। तो वो क्या है फॉर्मूला, उनको बस बोलना होगा कि उसे बोला कि यार तुमने लगा के दिया था उसमें 5% के जगह पे 6% हो गया है। बिल्कुल, तो चेंज कर पाएगा सर? चांस ही नहीं है। तो आप अगर उनके लिए फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वीवीए फंक्शन बना देंगे। आएंगे डेवलपर में, हम यहां मॉड्यूल्स पे आएंगे और यहां पे फंक्शन टाइप करेंगे। हम सब्जेक्ट करते थे ना, सब्जेक्ट यहां पे क्या टाइप होगा, फंक्शन। अब यहां पे टाइप होगा फंक्शन का नेम, जैसे मैंने डाल दिया MRP, और यहां टाइप होगा फंक्शन का इनपुट। फंक्शन का इनपुट, हाँ जी, कॉस्ट एज ए लॉन्ग। अब लो इनपुट क्या होता है, तो जैसे कि आप लेन का ही फॉर्मूला हैं, तो ब्राइक लेन का ही फॉर्मूला लगाते हैं ना सर, हाँ। ब्राइकेट में देते हैं ना B3, हाँ। B3 इसका इनपुट हो गया। ओके ओके, समझ गया। यहाँ पे क्या कर दिया, बोला कि इसके एक इनपुट है जो कि लॉन्ग डेटा टाइप है। जब कोई यहाँ MRP का फॉर्मूला लगाएगा तो उसको एक इनपुट देना पड़ेगा, आगे MRP का फॉर्मूला, ओके, एक इनपुट देना पड़ेगा। तो जो B3 की वैल्यू होगी वो बाय डिफॉल्ट इस कॉस्ट के ऊपर स्टोर हो जाएगी। ओके। तब जो भी कैलकुलेशन करना है हमें कॉस्ट को लेकर करना है। अब ऊपर तो लॉन्ग डेटा टाइप है, तो मैं डिम आर एज ए मैं यहां पे डबल ले लेता हूं, क्योंकि परसेंटेज निकलेगा थोड़ा सा डेसिमल आ सकता है ना, आर इक्वल टू कॉस्ट कर दिया हमने। R इक्वल टू आर, यहां पे ब्रैकेट में R प्लस R का मतलब R मल्टीप्लाई बाई मुझे 5%, 5% नहीं लिख सकते क्योंकि परसेंट का सिंबल प्रोग्रामिंग में नहीं लेता है। तो क्या करेंगे, 0.5 मत करना, वरना 50% हो जाएगा। 0.5 मतलब 5/100 प्लस। तो कॉपी करो, नीचे 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 पेस्ट कर देते हैं और यहां पे परसेंटेज को बढ़ा देते हैं, 10, 15 और यहां पे 20।
तो ये क्या होगा कि पहले आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी 50 है, तो 50 जो है कॉस्ट पे स्टोर हुआ, B3 जो हमने यहाँ लिया हुआ है, एंड B3 किसको देगा, R को देगा। फिर R क्या करेगा, अपने R के अपने ही R को 5% निकाल के अपने में जोड़ लेगा, R मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस R। फिर यहाँ पे वैल्यू हो गई, इसके बाद यहाँ 10 जोड़ लेगा 15 से 1 by 1, क्योंकि कैलकुलेशन 1 by 1 होता है ना, पहले 5% का ऐड करेगा तो 52.50 रुपए होगा, फिर 52.50 रुपए फिर वो 10% निकालेंगे तो आई थिंक 57 रुपए के आसपास होगा। समझे? और इसी तरह से वो नीचे 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 आता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि रिजल्ट तो आर पे स्टोर है ना। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एमआरपी इक्वल टू आर। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आ गया रिजल्ट। दो चीजें देखा, एक तो लगाने में आसान, अब ये फॉर्मूला बन गया, इस फाइल के साथ अटैच हो गया। अब आप आपके बॉस को कहीं और कॉल कहीं आया कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या बोलेंगे, बॉस जस्ट अप्लाई द एमआरपी फंक्शन, सिलेक्ट द योर कॉस्ट, रिजल्ट विल बी देयर। चेंजेस करने का तो वीवी में जाके चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ, अगर प्रॉब्लम है तो वीवी में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं ना, जैसे मान लो कि नहीं मेरे चार कैलकुलेशन है ना, आप फंक्शन यहाँ बना सकते हैं कि चार इनपुट दे दे, VVA, यहाँ पे MRP_1 ब्रैकेट, हमने बोल दिया मैन्युफैक्चरर कॉमा, एक एक करना पड़ेगा सर, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए डी एज ए डबल, सब डबल होंगे, कमा इसके बाद आता है होलसेल डबल एंड रिटेलर, रिटेलर आर एज ए, चार इनपुट हो गया ना सर। और इसमें तो हमने कॉस्ट दिया ही ना, एक बार एक कॉस्ट तो देना पड़ेगा ना, कॉस्ट एज ए लॉन्ग। ठीक है सर, यहाँ पे हट गया, यहाँ पे देना पड़ेगा एम मैन्युफैक्चर MDH हो गया। फिर डिम आर एज ए डबल डबल, फिर आर इक्वल टू हमें करना है कॉस्ट, COST कॉस्ट, फिर यहां पे आर इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय क्या होगा M प्लस R। इसमें आपको क्या करना है, चार है, एम के जगह पे यहाँ पे कर देते हैं डी, इसके कर देते हैं मैं एच, और इसके जगह देते हैं आर, और फिर MRP_1 = R। अब यहां जो फॉर्मूला लगेगा तो यहां पे हमें MRP1 इसको सिलेक्ट किया, और यहां पे मुझे देने पड़ेंगे 5% कॉमा 10% कॉमा 15% कॉमा 20%। डुप्लीकेट डिक्लेरेशन आर पहले है उसके लिए, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, आरटी सर। इसमें वो हेल्पर का नीचे नहीं दिखाई दे रहा है ना, नहीं वो चीज यहाँ नहीं होता है सर, हेल्प सपोर्ट जो होता है ना वो नहीं होता सर। समझे?
बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट इसमें सर जी? हाँ जी सर जी, जैसे आपने ये वैल्यू को जो एम पे स्टोर किया, डी पे, एच पे, आर टी पर, अगर से जैसे कोई बंदा है जिसको वीबीए में चेंजेस करने नहीं आएगा, उसको हम लोग को एक्सेल का रेफरेंस देना पड़ेगा ना कि? हाँ तो फिर वह यहाँ चेंज कर देगा ना, यहाँ देखिए आप अपना वैल्यू चेंज करेगा, जो डालेगा उसके हिसाब से आएगा। अच्छा, इसलिए तो फॉर्मूला बनाया। अब फॉर्मूले के कंसेप्ट को समझिए, फॉर्मूले के तीन पार्ट होते हैं। पहला आता है डिक्लेरेशन, कि आपने डिक्लेयर किया, आपने पहले चूज किया है फॉर्मूला क्या होगा, उसके इनपुट क्या होंगे, समझ गया? जैसे ये देखिए एमआरपी है, ये क्या आ रहा है, डिस्टेंस में आ रहा है, तो मैंने इसका यहां पे कर दिया एज ए लॉन्ग। तो एमआरपी जो दिख रहा है ये भी एक तरह का वेरिएबल भी है, डेटा स्टोरेज करता है। तो लॉन्ग डिफाइन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 104 दिखाएगा, कन्वर्ट कर देगा। तो आपको डिक्लेरेशन करना है, पहले फॉर्मूला को डिक्लेयर करना है, कैलकुलेट द फॉर्मूला, उसके बाद जो नॉर्मल वीवीए कोड्स हैं, उस नॉर्मल वीवीए कोड की मदद से आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन को एक वेरिएबल पे स्टोर कर लेंगे। इनपुट्स के लिए आप ऊपर जो इसके अंदर इनपुट्स होते हैं इसको यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोड के अंदर में किसी भी रेफरेंस का जिक्र मत कीजिए, कि A1 B1 A1 डॉट सेलेक्ट B1 डॉट सेलेक्ट, ऐसा नहीं हो सकता। ये पूरा का पूरा चलेगा आपके इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग, समझ गया जी सर? जब रिजल्ट, तो दूसरा हो गया, तीसरा पार्ट होता है असाइनमेंट, कि रिजल्ट बाहर कैसे आएगा। जो फॉर्मूले का नाम है उस पे आपके जो फाइनल रिजल्ट जिस वेरिएबल पे स्टोर है उसको आप वहां डाल दीजिए जी, समझ गए? डाउट सर किसी को? सर ये किसी को शेयर करेंगे तो उसके पास भी जाएगा अगर एक्सेलम फाइल नहीं है? आपका मॉड्यूल्स पे सेव है ना, मॉड्यूल्स तो बुक वन के अंदर है, जहां आपको पहली क्लास में बताया था कि जहां जहां माइक्रो जाता है वहां उसके मॉड्यूल्स भी तो जाते हैं जी। क्लियर है? हाँ जी रवि जी, आपको क्लियर हुआ है सर? जी जी सर, अगर मान लीजिए कि ये मैंने एडिंस में कर रखा है फॉर्मूला और मैंने एक्सेलएस फाइल में फॉर्मूला तो लग गया, अब मैंने एक्सेलएस फाइल भेज दी तो वहां वर्क करेगा? नहीं, नहीं करेगा, नहीं करेगा। फॉर्मूला मेरे पीसी में रह गया और डिस्क पर शेयर किया, फॉर्मूला चला गया। ठीक है जी सर, समझ में आया कि नहीं सर आपको कि कैसे फॉर्मूला लगाना है? बिल्कुल सर बिल्कुल, आपको आया समझ में गांधी जी? यस सर क्लियर। तो आगे पढ़ने से पहले हमें, मुझे आप 10 फंक्शन क्रिएट करके दो, छोटे छोटे फंक्शन, मैथमेटिकल प्लस माइनस मल्टीप्लाई कमीशंस, ये सब सब चीज के निकालना फॉर्मूले वगैरह जो नॉर्मल एक्सेल में बनाते हैं ना फॉर्मूले, तो 10 सिंपल फॉर्मूले बना के आप मुझे मेल करेंगे अभी आधे घंटे में। ठीक है 10 फॉर्मूले आप देखूंगा, फिर कल से अगली हमारी जो 5 से 7 क्लासेस जो है वो सिर्फ फंक्शंस पे चलेगी सर, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लासेस, ठीक है? क्योंकि एक्सेल के फॉर्मूले हम ही क्या कर रहे हैं, हमें दुखी करते हैं, हम खुद के बना लेंगे, समझे? मैं बता रहा हूं कि मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे पर्टिकुलर फंक्शन बना के, मैं फॉर्मूले बताऊं, कोई फाइनेंशियल टाइप का फंक्शन था, मैं बोला फंक्शन करता क्या है, बोलता है कि एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन को फॉलो करता है, तो इसमें दिक्कत भी आती है, हाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो मैं बोला कि क्या कैलकुलेशन करता है, तो उसने एक मैथमेटिक्स पे लिख के, पेज पे मैथमेटिक रूल लिख के दे दिया, मैंने उस मैथमेटिक रूल से लेकर नया फॉर्मूला बना। बोले क्यों सर, अगर कोई सिंपल सी बात है कि अगर कोई सरदर्द कर रहा है तो उसको निकाल फेंकिए, नया ले आइए,
फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करना मजबूरी है और ये रिजल्ट आपकी अकॉर्डिंग नहीं दे रहा है बिकॉज द न्यू फॉर्मूला एज पर मी जी सर ये फॉर्मूला करने से पहले उस समय यही दिखा देते ना सर जैसे इनकम टैक्स वाला था सर टकरा गया उस सब पढ़ाएंगे आपको सारे जितने फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाया ना कैलकुलेशन ट्रिक्स वगैरह सब पढ़ाएंगे आपको ठीक है तो बना के भेजिए फटाफट हम इंतजार कर रहे हैं राइट सर